हरी कथा अमृत, कथा अमृत आपको मृत्यु से दूर ले जाएंगे, पुनः पुनः मृत्यु जाला आपको भोगना नहीं पड़ेगा। कथा सुनते सुनते आप विभोर होकर वैकुंठ में चले जाएंगे, आपको पुनः इस मर्त्यलोक में आना, बार बार आना जाना करना, ये आपको खत्म हो जाएगा। बिले बतो उरुक्कम अभिक्रमान जो नौश्रिन्नते कर्ण पुटो नरस्य, चक्षु कर्ण नासिका जिह्वा तक, ये पंच ज्ञानेन्द्रिया है, इंद्रिया। चोक आंख से हम देखते हैं, कान से हम सुनते हैं। कान से क्या सुनते हैं हम? दुनियादारी का जितना प्रकार कथा, समाज के कथा, राजनीति के कथा, अन्नों के बुरा कथा, निंदा, ये सब सुनते हैं। लेकिन भागवत क्या बोलते हैं? जो कान से आप हरि कथा नहीं सुनते हैं, कृष्ण कथा, राम कथा नहीं सुनते हैं, वो कान सांप का बील है, सांप का अड्डा है, वह सांप का वास भूमि है। सर्प कहीं पर रहे गड्ढा के अंदर, उस गड्ढा में आदमी नहीं जाते, सांप का जहर का सांस प्रश्वास से सांप का जहर उसमें फैला रहता है, वो मृत्यु का कारण होता है। हम जब कान से भगवत कथा छोड़कर दुनियादारी का कथा सुनते हैं, तो काल सर्प को बुला कर ले आते हैं, हमको मृत्यु के ओर डाल देते हैं, मृत्यु के ओर आकर्षित करता है। बिले बतो उरुक्रम अभिक्रमान जे नौ सुन्नतो कर्ण पुटे नरस्य, नर मनुष्य शरीर पाकर उसको अच्छा पांच इंद्रिया मिला, जो आंख से देखो, बढ़िया बढ़िया वस्तु देखो, ईश्वर का दर्शन करो, ईश्वर का भक्तों का दर्शन करो, और कान से हरि कथा सुनो, हरि का कीर्तन सुनो। जो हरि कीर्तन हरि कथा नहीं सुनते कान से, वो सांप का बील है, सांप का वास भूमि है, निवास स्थान है। सांप जहरीला सांप जहाँ रहता है, वहाँ मनुष्य, बुद्धिमान मनुष्य कभी नहीं जाते, क्योंकि वो प्राण घाती होते हैं, प्राणनाशक होता है। इसलिए निरंतर कर्ण इंद्रियों को हमें भगवत कथा श्रवण में लगा के रखना चाहिए। हरि कथा श्रवण में हमारा कर्णेन्द्रियों को नियुक्त करना चाहिए, बुद्धिमानी है। हरि कथा अमृत, कथा अमृत आपको मृत्यु से दूर ले जाएंगे, पुनः पुनः मृत्यु जाला आपको भोगना नहीं पड़ेगा। कथा सुनते सुनते आप विभोर होकर वैकुंठ में चले जाएंगे, आपको पुनः इस मर्त्यलोक में आना, बार बार आना जाना करना, ये आपको खत्म हो जाएगा। इसलिए कान है, कान ठीक है, कान से सुनते हैं, तो उसे हरि कथा सुनो, कृष्ण कथा सुनो, राम का कथा सुनो, जीवन सार्थक हो जाएगा। ये कथा कर्ण कुहर के अंदर से जाएगा, भीतर तक जाएगा, हृदय को धक्का मारेगा, हृदय के अंदर जितना मैला है उसको हटा के फेंक देगा। आपके हृदय अगर पाप से पाषाण हो गया हो, कठिन हो, आपका हृदय में कोमलता, नरम नम्रता ले आ देगा। कृष्ण कथा ऐसा एक चीज है, हृदय को पवित्र कर देगा, हृदय के अंदर जितना मल है, गंदगी है, वो दूर कर देगा। इसलिए जो बुद्धिमान मनुष्य है, निरंतर कृष्ण कथा ही श्रवण करते हैं। कृष्ण कथा सुनना हमारा जीवन का गति को पलट सकता है, कृष्ण कथा सुनने से हमारा जीवन को सुधार सकते हैं हम। कृष्ण कथा सुनते सुनते हम अमरत्व लाभ कर सकते हैं, मृत्यु को ओवरकम कर सकते हैं, मृत्यु को लांग सकते हैं।